नमस्कार, विथार्थ मखौलिया। मौके पर कैलाश जोशी, गणेश कन्याल, लक्ष्मण भंडारी, शोभन कार्की, होशियार सिंह, हयात चौहान, विक्रम भंडारी सहित कई सस्ता गल्ला विक्रेता उपस्थित थे। प्रशासन द्वारा इतने दबाव में लाकर काम करवाया जा रहा है कि बिना कोई व्यवस्था करे हम तोल के राशन मांग रहे हैं, हमें तोल के राशन नहीं दिया जा रहा है। हम इंटरनेट का खर्चा मांग रहे हैं, हमें इंटरनेट का खर्चा नहीं दिया जा रहा है। 500 सस्ता गल्ला विक्रेता आज सामूहिक इस्तीफा देने के लिए बाध्य हुए, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वो तो इनको लागू कर दी जा रही है, पर जो इनकी मांग है उनको इसमें कर दिया जा रहा है। और आज एक बधवा मजदूर की स्थिति आ चुके हैं, तो हमारा पूरा नैतिक समर्थन सस्ता गल्ला इकताओं के साथ है। या तो सरकार इनकी जो जायज़ मांग है उनको माने, या फिर इनके जो दिए गए स्थिति। रावत ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कही, इस दौरान उन्होंने बताया कि मैग्नेसाइट जल संचय योजना को स्वीकृति शासन ने दे दी है। इस दौरान उन्होंने अन्य कार्यों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि नगर में जितनी छोटी छोटी हर मोहल्ले में पार्किंग बने, ताकि यातायात की समस्या से समाधान हो सके। और साथ ही एक प्रस्ताव हमने अगले साल पिथौरागढ़ में नेशनल फुटबॉल कराने के लिए भी प्रस्ताव शासन को भेजा है। अगले वर्ष नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।